हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। देखिए, कुछ बातें गेट एग्जाम को लेकर, जिस दिन आप गेट एग्जाम देने जाएं उन कुछ बातों का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना, कुछ भी नहीं भूलना इन बातों में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अपने एडमिट कार्ड की एक फोटो कॉपी लेके जानी। दूसरा कि आप अपनी जो आपने आईडी प्रूफ आपने गेट फॉर्म के वक्त दिया था, वही आईडी प्रूफ आप लेके जाएंगे और उसकी भी ओरिजिनल कॉपी, आपको फोटो कॉपी लेके नहीं जानी है। साथ में एडिशनल एक फोटो आईडी और लेके जा सकते हैं। आपके पास में फोटो आईडी कौन कौन सी वैलिड है? आपके पास में पैन कार्ड वैलिड है, आपका पासपोर्ट वैलिड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, आपका आधार कार्ड वैलिड है, ठीक है? तो ये और वोटर आईडी, ये पांच आपके पास में एग्जाम्पल की तरह आपके वैलिड फोटो आईडी कार्ड है जो आपको वहां पे लेके जाना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके पास में कि यहाँ पे आप 9:30 से एग्जाम है, तो एटलीस्ट देखिए आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ कि 90 मिनट प्रायर पहुंचे, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 8:30 पे तो पहुंच ही जाए, चाहे कितना भी लेट जाए आप, 8:30 पे आप वहां पहुंच जाए। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो जहां चेकिंग होती है आपके, वहां पे जितने भी एग्जाम सेंटर होंगे वहां पे जब चेकिंग होगी तो वो चेकिंग होने पे क्या होता है कि आपको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा टाइम के बाद में। और दूसरा ये कि वो बहुत लंबी लाइन होती है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि गेट जो आपका गेट यहाँ पे कोऑर्डिनेट करवा रहा है एग्जाम, तो एग्जाम से एग्जाम सेंटर की बिल्कुल ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके सामान का ध्यान रखे, बट आपको यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह ये सब कैरी करके चलना पड़ता है, पर्स वगैरह। तो इन सब के लिए आपको आप अगर बैग लेके जाते हैं तो वो बैग हो सकता है एग्जाम सेंटर पर वो रख लें, हो सकता है कि ना रखें, ये उनकी चॉइस है। तो आपको उसी के लिए अपना एग्जाम जमा करवाने में, लाने में, इन सब के लिए भी टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट आप 90 मिनट प्रायर अपने एग्जाम के पहुंचे। तीसरा पॉइंट ये है कि आप जब एग्जाम सेंटर में इन होंगे तो इन होते वक्त आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, कोई डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, कोई कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए आपके पास में, कोई भी मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, इस बात को मेक श्योर करके जाएंगे। कोई ईयरफोन, कोई ब्लूटूथ, कुछ भी नहीं होना चाहिए। साथ में आपके पास में जो कैलकुलेटर है वो आपको गेट में अंदर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपकी विंडो की साइड में ओपन मिलेगा, जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलेटर लेके भी नहीं जाना। साथ में अब आप क्या लेके जाएंगे? देखिए, जो ये लेके नहीं जाना था और क्या लेके जाएंगे, आप लेके जाएंगे एक ट्रांसपेरेंट पेन। ट्रांसपेरेंट पेन कौन सा? जो आपने सेलो का ₹5 वाला फाइन ग्रिप सेलो पिन पॉइंट देखेंगे, जिनके थ्रू आप देख सकते हो, जो ग्लास प्लास्टिक ग्लास की तरह आता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेन। आपकी जो वाटर बोतल होगी वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास में एक सैनिटाइजर की बोतल होनी चाहिए। मास्क लेके जाएंगे क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है आपको। तो यहाँ पे आपको ये सामान लेके इन होना है और जो सामान लेके इन नहीं होना उनका बिल्कुल ध्यान रखें। तीसरी बात, आपके पास में यहाँ पे 20 और नेक्स्ट बात ये कि आप 20 मिनट पहले अपने, यानी 9:30 पे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो 9:10 पे आप अपने लॉगिन कर सकते हैं वहां पे बैठ के और इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। आपका एग्जाम चालू 9:30 पे ही होगा, बट 20 मिनट के पहले ही आप वहां पे क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर 9:30 पे आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो उसके हाफ एन आवर यानी 10 के बाद में किसी को भी एंट्री अलाउ नहीं होगी। और ऐसा करना ही क्यों है? आप टाइम से पहले पहुंचेंगे, ठीक है, 9:30 की जगह 10 पर पहुंचेंगे आप, 10 पर नहीं पहुंचेंगे आप, 9:30 से पहले यानी कि नियर अबाउट 8 to 8:15 के अराउंड आप एग्जाम सेंटर पर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको आपको कोई सामान और इनमें से जो भी पॉइंट पर अगर आपके पास में किसी भी तरह से वहाँ पे एग्जाम सेंटर को लगता है कि आप इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं कर रहे तो आपको डीबार किया जा सकता है एग्जाम का। तो बिल्कुल ध्यान रखें, देखिए कोविड प्रोटोकॉल अभी भी है देश में तो आप उनको फॉलो करना पड़ेगा कोविड प्रोटोकॉल को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो, और हाँ, नेक्स्ट बात क्या कि वहां पर रफ नोट करने के लिए आपको एक सिंगल शीट पेपर मिलेगा। वो सिंगल शीट पेपर जो है आपके पास में, उस सिंगल शीट पेपर जैसे ही आपको मिले आपको क्या करना है, वहां पे अपने रोल नंबर लिखना है और वहां पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, उस पर आपके रोल नंबर और नाम दोनों होंगे, होने चाहिए। जब वो आपके पास में रफ पेपर फिल हो जाता है, भर जाता है पूरा कंप्लीटली, तब आप उसे वहां पे जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनको आप उन्हें दे सकते हैं और दूसरा उससे ले सकते हैं। यानी हर एक टाइम पे आपके पास में नंबर ऑफ शीट 1 ही होगी। सेकंड, आप बहुत ज्यादा शीट्स ले सकते हैं बट एक टाइम पे एक ही शीट होगी आपके पास में, आप 3-4 रफ पेपर अपने पास रख नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और जब आप एग्जाम हॉल से बाहर जाएंगे तो वो रफ पेपर आपको वहां पे जो भी आपको इन्विजिलेटर होंगे उनको देख के आनी होगी।
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप जब एग्जाम सेंटर से आपका अगर पेपर पहले भी खत्म हो जाता है तब भी आप टाइम से पहले नहीं जाओगे। देखिए आप गेट एग्जाम में जब देखोगे तो क्या होगा कि पहले आपको गेट पे एंट्री के लिए आपको चेक किया जाएगा, फिर वहां पे आपको प्रूफ किया जाएगा, आपका बायोमेट्रिक स्कैन वगैरह किया जाएगा, तो वहां पे फिर आपको टाइम लगेगा, तो आप काफी पहले पहुंचेंगे क्योंकि वो चालू कर देते हैं जल्दी। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और कोई भी परेशान ना हो इसलिए 8 बजे पहुंचे, शांति से आराम से नींद लेके उस दिन पहुंचे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।